नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल में मई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। जो कुछ भी हम एक प्रकार से ठहर से गए, वापस व्यापारिक गतिविधियां, वापस हमारा जॉब, हमारा कामकाज, हमको बहुत तेजी से उस गति में करना ही पड़ेगा और कुछ नए ढंग से करना पड़ेगा। यदि पहले के ढर्रे पर ही चलते रहे तो आपको वही मिलेगा जो आप पहले से भोगते आए हैं, जो आप पहले से गेन करते हुए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन करना है तो कुछ नए रास्ते आपको खोजने पड़ेंगे, कुछ नई टेक्निक, कुछ नई प्लानिंग आपको लगानी पड़ेगी, युक्ति लगानी पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं मई 2020 के राशिफल का। हम इस राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उसमें सबसे पहला सेक्टर हम लेते हैं वह है इनकम का, गेन का, लाभ का। राशि से 11th हाउस से लाभ देखा जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति राशि से 12th हाउस में है, नीच राशि का है। लेकिन एक ही अच्छाई है इस स्थिति में कि जो केतु है उच्च राशि का होकर के आपकी राशि से 11th हाउस में है, ये आपको हाइपर एक्टिव बना देगा। जहाँ पर कुछ गेन मिला नहीं, जहाँ पर कुछ आपको प्रॉफिट की संभावना दिखी नहीं, आप दूने उत्साह से एक स्ट्रेंथ के साथ में, एक तेजी के साथ में उस लाभ को झपट लेंगे, उस गेन को पकड़ लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी होशियारी आपको इस समय काल में गेन देगी। जो भी लोग अनाज से संबंधित काम करते हैं, मसालों से संबंधित काम करते हैं, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम करते हैं, लैंड और बिल्डिंग से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, मंगल से संबंधित जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा गेन का रहेगा, एप्रिसिएशन का रहेगा। सेकेंड चीज, जो बेकरी का आइटम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, उन लोगों को अपने स्टॉक को संभालना चाहिए, उन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये समय काल जो कि बृहस्पति की स्थिति का है, वो बृहस्पति नेगेटिव होने से वो स्थितियां आपको नुकसान दे सकती है, वो मटेरियल आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। आप उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक करेंगे, आप उसकी वैलिडिटी भी ध्यान रखेंगे, चेक करेंगे, और यदि वो कोई चीज़ खराब हो चुकी है तो उसको जितना जल्दी हो उसको उतना जल्दी नष्ट करें ताकि वो दूसरे के ऊपर आफत ना बन पाए, ये ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार से मैंने इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में दे दी है कि ये समस्या आ सकती है आप कुंभ राशि वालों को, कि जो कि बेकरी से संबंधित, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित बिजनेस करते हैं। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की, एसेट्स की या इन्वेस्टमेंट्स की। सेकेंड हाउस का अधिपति भी बृहस्पति है, तो जो गेन की स्थिति है वो सेम के सेम यहाँ पर धन और संपत्ति के क्षेत्र में भी है। वहाँ पर जिम्मेदार था आपको बचाने के लिए केतु, और यहाँ पर जिम्मेदार है बचाने के लिए शनि की तीसरी दृष्टि। ऐसी स्थिति में जो कोई भी मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या स्क्रैप से संबंधित हो, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेकुलेशन या इसमें करते हैं, सट्टा करते हैं इन चीज़ों में, तो ज़रूर आपके लिए गेन की स्थिति आएगी, आपके इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। या इससे संबंधित जो केमिकल या जो सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे संबंधित, मेटल से संबंधित कोई कंपनियों के शेयर आपके पास में है, उनको आप संभाल के रखें, उनके आप जो भी रेट्स आती है उनको चेक करते रहें। यदि आपने बहुत समय से उनको नहीं संभाला है तो ये समय है, वापस उन शेयर्स की एक लिस्ट तैयार करें, उनके स्क्रिप्ट को चेक करें, क्योंकि ये समय उन क्षेत्रों के शेयर्स में गेन का है, एक प्रकार से उछाल आपको देखने को मिलने वाली है, इसलिए आप उसको इनकैश कर सकते हैं। धन और संपत्ति की जहाँ तक बात है, ये समय काल उस क्षेत्र में मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई स्क्रिप्ट है गोल्ड में, सिल्वर में, स्पेकुलेशन अगर आप करते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये सही है, यदि आपके पास में पैसा स्पेयर है, एक्स्ट्रा है। तो आने वाला समय महामंदी का है, इसलिए अपने पैसे को संभाल करके रखना है, खर्चों को नियंत्रित करना है, और जो आपके पास कैपिटल है, यदि बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से नहीं चलते हैं, ठीक, यदि शॉर्टेज होने लगती है महामंदी के कारण, बहुत सारी चीज़ों के भाव बहुत तेज गति से बढ़ेंगे, ऐसी स्थिति में आपके पास में बचा हुआ पैसा ही आपके लिए काम आएगा, और वो सबसे बड़ी आपके लिए सावधानी हो जाएगी, सबसे बड़ी सफलता हो जाएगी, सबसे बड़ा बचाव हो सकता है, यदि जिस किसी ने भी पैसा बचा करके रखा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इस पर मैंने एक स्पेशल एपिसोड बना करके अपने चैनल पर डाला है, आर्थिक महामंदी, वो आप देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में आर्थिक महामंदी ज़्यादा आएगी और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आर्थिक महामंदी कहाँ तक रहने वाली है, ये सब कुछ आपको उस एपिसोड से पता चल जाएगा।
आइए अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से पारिवारिक सुख देखा जाता है। शुक्र यहाँ पर बलवान है, एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में शुक्र है और 31 जुलाई 2020 तक शुक्र यहीं रहेंगे। वहाँ तक स्थिति आपके लिए शुभ है, बलवान है। और इसमें एक स्थिति और भी इसमें पॉजिटिव है कि बृहस्पति की जो पांचवीं दृष्टि है वो सुख भाव पर है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर भी होगी, जिस भाव पर भी पड़ेगी, वहाँ से व्यक्ति को शुभ लाभ ज़्यादा होगा, उसका शुभ भाव का फल ज़्यादा मिलेगा। अतः जो भी भाव है, मान लीजिए रोग भाव है, रोग भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो रोगों से बचाव होगा, अतः बृहस्पति का शुभ फल आपको उस बचाव के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर पारिवारिक सुख के रूप में मिलेगा, जो पारिवारिक सुख है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, सम्मान आपको ज़्यादा मिलेगा, आपकी कई बातों का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, लोग आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे। और यदि आप घर में सबसे छोटे हैं तो आपको दूसरे बड़ों का स्नेह, अपनत्व, ये सब मिलेगा, लोग आपकी केयर करेंगे। और यदि आप खुद ही घर के मुखिया हैं तो आपकी बातों का आपके परिवार वालों पर असर ज़्यादा होगा। और ये समय काल जबकि मंगल उच्च राशि का है तो छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और आने वाले समय में 4 मई 2020 को जब मंगल अपनी राशि चेंज कर जाएगा और उसी दिन से लॉकडाउन खुलने वाला भी है, मान लीजिए बहुत सारे क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं खुलेगा, फिर भी जहाँ खुलेगा वहाँ स्थितियाँ बहुत तेज़ी से सामान्य भी होगी। और आपके छोटे भाई बहनों का अधिपति भी मंगल है, उन वहाँ चेंज होने से उनकी गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी, अर्थात वो भी नॉर्मल लाइफ की ओर अग्रसर होंगे। तो सब मिलाकर के पारिवारिक सुख के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। जमीन जायदाद का कारक मंगल माना जाता है। 4 मई को मंगल ज्यों ही राशि चेंज करेगा उसकी चतुर्दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, अर्थात फोर्थ हाउस पर पड़ेगी, भूमि भवन वाहन के सुख के भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यदि जमीन जायदाद कोई सही रेट में जो आपको बहुत पसंद थी और वो अगर आपको अप्रोच में आ जाती है, वो अगर कोई डील सामने आ जाती है तो ज़रूर नेगोशिएशन करने की कोशिश करनी चाहिए। और सही रेट में यदि आपको मिल जाता है, जो आपने सोचा था वो अगर आपको मिल जाता है तो ये समय काल आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। और यदि आप रुक सकते हैं, ठीक, मान लीजिए थोड़े महीने तक आप रुक जाते हैं तो 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस जब धनु राशि में जाएगा तब आपकी स्थिति और ज़्यादा बलवान हो जाएगी, और ज़्यादा स्थितियां आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो यदि इस समय कैश की शॉर्टेज है तो उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, तो आगे भी स्थितियां सेम रहेगी, क्योंकि आर्थिक मंदी में बहुत सारी प्रॉपर्टियां बिकने के लिए मार्केट में आएगी। लोगों के पास, जिन जिन के पास में पैसे की कमी होगी, उनके पास में एक ही चारा रहेगा, या तो ऑर्नामेंट्स को निकालें और या फिर प्रॉपर्टी को निकालें। और भी संभावनाएं हो सकती है, जिनके पास में इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर का इन्वेस्टमेंट हो, पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट हो, आरडी का इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट हो, वो लोग उनको भी इनकैश करके अपना जीवन चलाएंगे। तो भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र में जरूर ये समय भी शुभ है। और यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे नया या पुराना, तो भी यह समय काल आपके लिए सही है, क्योंकि यह समय काल शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में, जब त्रिकोण का जो अधिपति है वो केंद्र में होने से बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा शुभ है। और इसमें एक स्थिति और ज़्यादा बलवान होकर के आ जाएगी जब पंचमेश भी 9 मई 2020 को शुक्र के साथ में आ जाएगा, वो स्थिति और ज़्यादा बलवान होगी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आइए अब बात करें शिक्षा के क्षेत्र की। शिक्षा का अधिपति बुध है जो कि 9 मई 2020 को शुक्र के साथ में आ जाएगा, केंद्र में आ जाएगा, त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में आएगा, और ज़्यादा बलवान स्थिति होगी। और राहु यहाँ पर उच्च राशि का है, राहु का मतलब भी प्लानिंग होता है, राहु का मतलब ही आपकी थॉट प्रोसेस होता है। तो राहु जब पंचम स्थान में उच्च राशि का होकर के बहुत बलवान पोजिशन बनाता है उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स से संबंधित, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, या जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं या आगे पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है। इस समय का वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी लोग, ऐसे लोग जो क्रिएटिव लाइन से संबंधित हैं, चाहे वो कोई कोर्स एक्टिंग का कर रहे हैं, फोटोग्राफी का कर रहे हैं, डांसिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, ऐसी स्थिति में उनको भी समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है यदि वो कोई स्टडी कर रहे हैं तो।
तो ये समय काल शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इस समय काल में बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में आने वाला है। और स्पेशली इसके साथ में एक चीज़ मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर्स या वो एमएस करने वाले सर्जन्स जो थॉट प्रोसेस से, जो जो लंग्स से, जो स्किन से संबंधित ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग भी अपने एमएस में बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। तो राशि से पंचम स्थान से संतान का सुख भी देखा जाता है। तो जो स्थितियां बुध की मैंने बतलाई है वो सारी स्थितियां और साथ साथ में राहु की स्थिति भी संतान के क्षेत्र में आपको आराम देती है, आपको अपने इमोशंस को कंप्लीट होने का सुख देती है। अतः संतान से संबंधित कोई भी कष्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। फिर भी समय को देखते हुए आपको संतान को संभालना चाहिए। यदि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत है इस महामारी के युग में, महामारी के दौर में। अब बात करते हैं संतान ग्रहण करने की। अतः जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो बहने कंसीमेंट करना चाहती है, उन लोगों के लिए समय काल को मैं थोड़ा सा पोस्टपोन्ड करने के बारे में बताना चाहूँगा कि आने वाले 30 जून तक यदि आप समय को टाल सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। क्योंकि जो ही बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, आपकी राशि 11th हाउस में आएंगे, सप्तम जो दृष्टि है वो संतान भाव पर रहेगी, उस भाव का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अतः वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है 20 नवंबर 2020 तक, इसलिए उस समय का आप फायदा उठाएं। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए, रोगों के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है, वहाँ से विश्लेषण किया जाता है। शनि की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है कहा जाता है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो रोग का सुख कौन चाहता है, अभाव का सुख कौन चाहता है, जो कर्ज का सुख कौन चाहता है, रोग कर्ज कंपटीशन वाद विवाद क्लेश सेक्रीफाइस या कोर्ट कचहरी, इन सभी के लिए 6th हाउस जिम्मेदार है। तो 6th हाउस पर शनि की दृष्टि और वो भी शत्रु भाव पर, इन सभी से आपका सामना नहीं करवाएगी। दूसरी एक कंडीशन और आपके लिए पॉजिटिव है कि बृहस्पति की सीधी दृष्टि अपने उच्च भाव पर है, अर्थात 6th हाउस पर है। तो बृहस्पति शुभता में वृद्धि करेगा और शनि जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त कर देगा। ऐसी स्थिति में आपका रोगों से सामना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, वो चंद्रमा हमेशा एक तो मेंटल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जो लोग भी डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी होते हैं, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, या जो लोग सर्दी खांसी जुकाम से संबंधित रोगों को ज़्यादा जल्दी भोगते हैं, एलर्जिक हैं, इन्फेक्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। और सेकंड स्टेज है कि जिन लोगों को अर्थराइटिस है, जिन लोगों को ये ग्लैंड की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डेफिशिएंसी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, शनि से संबंधित कोई बीमारी है, उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन स्थितियों को ये नियंत्रित कर देंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। तो यहाँ पर शनि की स्थिति मैंने आपको बतलाई है, बृहस्पति की स्थिति दोनों बतलाई है। तो आर्थिक शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ सामाजिक शत्रु या आपके शारीरिक शत्रुता करने वाले, आपके साथ में कोई न कोई अपना बदला निकालने वाले, वो भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको रोगों से और शत्रुओं से दोनों से एक प्रकार से सुरक्षा मिली हुई है, एक प्रकार से समय कवच बना हुआ है, इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। तो दाम्पत्य सुख का अधिपति सूर्य है। इस समय सूर्य उच्च राशि के हैं, राशि से थर्ड स्थान में है, राशि से थर्ड स्थान में या थर्ड हाउस में सूर्य को शुभ फल देने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो ग्रह सुख की स्थिति है वो आपको शुभ फल देने वाली बनी रहेगी। आने वाली 14 मई के बाद में स्थितियां हो सकता है कुछ परसेंट और सुधर जाए जब सूर्य भी अपनी राशि बदल करके केंद्र में आ जाएंगे। लेकिन बृहस्पति वक्री होने से, क्योंकि सप्तम भाव का कारक बृहस्पति भी होता है, ऐसी स्थिति में जो 14 मई से
बृहस्पति के वक्री होने से भी आपके ग्रह सुख में इम्प्रूवमेंट आएगा, राहत मिलेगी। जो कुछ भी प्रीवियस समस्याएं थी उनसे भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी। अर्थात कोई ना कोई सामंजस्य और एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज लेवल आपकी लाइफ में ठीक होने से वो स्थितियाँ नियंत्रित हो जाएगी, आपकी लाइफ में सुधार आ जाएगा, ये ग्रह सुख की स्थिति भी सौम्य हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं आपकी लाइफ में प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की और साथ ही साथ गहरी मित्रता की। तो मित्रता के लिए राशि से पंचम भाव जिम्मेदार होता है। पंचम भाव का अधिपति बुध 9 मई 2020 को अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे, अतः शुभ स्थान में आ जाएंगे, तो आपकी मित्रता में और इम्प्रूवमेंट आएगा, मित्रता में और प्रगाढ़ता आ जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, अतः समझबूझ विकसित हो जाएगी। सप्तम भाव का अधिपति सूर्य है उच्च राशि में, उसका आपको फायदा मिलेगा। 4 मई 2020 को मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे, मंगल की सातवीं दृष्टि सीधी सप्तम भाव पर पड़ेगी। मंगल आपकी कुंडली पराक्रम के भी अधिपति हैं और साथ ही साथ दशम भाव के अधिपति हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र के भी अधिपति हैं। इन सब की स्थितियों के मद्देनज़र मई 2020 में आपकी 9 मई के बाद में स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी, अर्थात मई 2020 में प्रेम प्रसंग की स्थिति, इमोशंस की स्थिति या ये बोल सकते हैं गहरी मित्रता की स्थिति में वृद्धि ही होगी, इम्प्रूवमेंट ही आएगा, प्रोग्रेस ही होने वाली है। और जो सिंगल है उनको भी 9 मई के बाद में कोई न कोई साथी हाथ पकड़ने के लिए मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से कैरियर के बारे में निर्धारण किया जाता है। चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे आप कोई सर्विसेज करें, चाहे आप कोई प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी के लिए या रोजी रोटी के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, दैनिक आमदनी के लिए राशि से 10th हाउस को देखा जाता है। उस भाव का अधिपति मंगल है जो इस समय 4 मई 2020 तक राशि से 12th हाउस में है। 4 मई 2020 से जो ही मंगल लग्न में आता है, राशि भाव में आता है, फर्स्ट हाउस में आता है, एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण स्थान में आ जाएगा। चाहे वो शत्रु राशि में रहेगा लेकिन ऐसी स्थिति में वो सुख भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव व्यापार पर अपनी दृष्टि डालेगा और 8th हाउस पर दृष्टि डालेगा, तो नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम भी करेगा। तो सब मिला करके मई 2020 में आपको 4 मई के बाद में राहत मिलने वाली है, लेकिन फिर भी आपको नए नए संभावनाओं के द्वार खोजने पड़ेंगे। अर्थात अपना जो भी कार्य व्यवसाय है उसमें नई जानकारियां, नई टेक्निक्स, नए और रिसोर्सेज वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे, तब जा कर के आप संतुष्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था गेन के मामले में कि जो भी लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित काम करने वाले जो लोग होंगे या जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित काम करने वाले लोग होंगे, जो मोबाइल से संबंधित काम करने वाले लोग होंगे, टेलीकॉम प्रोडक्ट के काम करने वाले जो लोग होंगे, सर्विसेज देने वाले जो लोग होंगे, उन सभी को इस समय काल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, उसमें से एक आप भी हैं। इसके लिए यदि आप ये सर्विसेज करते हैं, आप इस जॉब में हैं, ऐसी इंडस्ट्री में हैं, अपना खुद का कार्य व्यवसाय है इस समय, चाहे वो मसालों का काम हो, अनाज का काम हो, खाने पीने की चीज़ों का काम हो और वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का जो काम करते हैं, उनको ज़रूर सावधान रहना चाहिए, उनको ज़रूर केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से रोग भाव में स्थित है और ये समय काल में जो भी आपके पास में वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनकी एक्सपायरी, उनकी क्वालिटी आपको चेक करके ही फिर बेचने का कार्यक्रम करना चाहिए। इतना भर आप ध्यान रखें, बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा है और आगे सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी है। अब बात करते हैं पिता के सुख की। तो जो समय काल अभी चल रहा है उस समय काल को देखते हुए आपको पिताजी का सपोर्ट करना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी, वो स्वयं किसी प्रोफेशन में, क्योंकि 10th हाउस का अधिपति मंगल है, तो मंगल चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो BSF हो, CRPF हो, जो भी हमारे कानून के रखवाले हैं उन सभी में से एक आपके पिताजी भी हो सकते हैं, तो आपको समय काल को देखते हुए उनको सपोर्ट करना होगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी मेडिसिंस या जो भी वो दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। आने वाली 14 मई 2020 से जब सूर्य चेंज हो जाएगा, और क्योंकि पिता का कारक सूर्य होता है, वो चेंज होने पर कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन 14 मई तक तो आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना ही पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से निभाना पड़ेगा। ये था मई 2020
का मासिक राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मई 2020 में जो भी हमारे शेड्यूल्स होते थे बहुत सारे शहरों में मिलने के, या देश विदेश के सारे शेड्यूल्स हमने कैंसिल कर रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सर्विसेज ही चालू है, इसलिए आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं या लैंडलाइन नंबर दिए हुए हैं उन पर संपर्क स्थापित करके टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी जिज्ञासाएँ होंगी आपकी जन्म कुंडली से संबंधित उनसे आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और आने वाली महामंदी से आप पहले से ही रेडी रह सकते हैं कि कौन से सेक्टर में महामंदी आने वाली है, उसमें से एक सेक्टर आपका तो नहीं है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे, धन्यवाद।